कोई भी त्योहार हो, खुशी का मौका हो, मिठाइयाँ तो हम सभी बनाते ही हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली ऐसी टेस्टी, हेल्दी, शानदार मिठाई जिसे कोई भी आसानी से बना सकता है, क्योंकि आज हम इसे बिना कुक किए और बिना गैस चलाए बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्विक एंड टेस्टी मिठाई को बनाना। यहाँ मैंने एक कटोरी भुने हुए चने लिए हैं। इस रेसिपी के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें और सारे मेजरमेंट उसी से करें। ड्राई फ्रूट्स में मैंने 8 बादाम और 2 टेबलस्पून काजू लिए हैं। इस मिठाई में हम आज चीनी यूज़ नहीं करेंगे, तो चीनी की जगह मैंने यहाँ 1 कटोरी कच्ची खांड ली है। आप इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी पसंद से चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमारी मिठाई में मावे वाला टेस्ट आए इसके लिए हमने इसमें डाला है 1 कटोरी मिल्क पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है। पहले मैं इसमें इलायची डालना भूल गई थी, 4 इलायची भी डाल देते हैं। एक बार फिर से इसे ग्राइंड कर लेते हैं। सारी चीज़ें वैसे तो हमने पीस ली हैं, लेकिन मिठाई के मामले में आज कोई रिस्क नहीं लेंगे, तो इसके लिए मैं इस सारे मिश्रण को छान लेती हूँ। जो बच गया है इसे भी एक बार दोबारा से पीस करके छान लेंगे। हमारी मिठाई अच्छी बने तो उसके लिए हमने इसका फाइन पाउडर तो बना लिया है। अब हम लेंगे 1/2 कप दूध, लेकिन आपको दूध सारा एक बार में इसमें नहीं डालना है। आप 1-1 चम्मच दूध डालिए और सारे मिश्रण को गूंथते जाइए। हमें इसका एकदम टाइट डो बनाना है। अगर आपने इसका सॉफ्ट डो बनाया तो मिठाई खाने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। इस पूरे डो को बनाने में मैंने 6 चम्मच दूध का यूज़ किया है। इतना दूध हमारा बच गया है। अब आप कोई भी बटर पेपर, पॉलीथीन या मेरी तरह ये शीट ले लें जिस पर आप डो को बेल सकें। मैं इस पर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। मिठाई के डो को बेल लेंगे। मैंने ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट लिए थे, इसे भी इस पर डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये बर्फ़ी इतनी टेस्टी बनती है कि जब कोई इसे खाएगा तो जब तक आप इसे बताएंगे नहीं कि आपने ये कैसे बनाई है, किस चीज़ से बनाई है, तब तक कोई भी ये पहचान नहीं पाएगा कि ये बर्फ़ी किस चीज़ की बनी हुई है। मैं इस बर्फ़ी को आज फ्लावर की शेप में बना रही हूँ। आप अपनी पसंद की किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। इसी तरह काट करके हम सारे पीसेस रेडी कर लेंगे। अब ये जो मिश्रण बचा है उसे दोबारा बेल कर आप पीसेस कट कर सकते हैं। पहले इस फ्लावर वाली बर्फ़ी को रख देते हैं। हलवाई लोग अगर बर्फ़ी से कुछ मिश्रण बच जाता है तो उसे दूसरी शेप दे देते हैं। अलग अलग शेप देखकर हम सभी बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो आज हम भी उसी ट्रिक को यूज़ करके इस बर्फ़ी को एक अलग शेप देंगे और एक ही मिश्रण से 2 तरह की मिठाई बनाएंगे। टेस्ट सेम है पर शेप इसके अलग है, तो देखने में ये बहुत ही अच्छी लगती है। इस पर चांदी का वर्क भी लगा देते हैं। अगर आप चांदी का वर्क नहीं लगाना चाहते तो आप बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स इस तरह से रोल के ऊपर लगा दें, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कौन सी शेप वाली मिठाई ज़्यादा अच्छी लगी कॉमेंट करके बताइएगा। आप इस मिश्रण को पेड़े की शेप भी दे सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी फेस्टिवल स्पेशल मिठाई की थाली रेडी है। मैंने एक रोल को कट कर लिया था, उसे भी सजा दिया। कैसी लग रही है ये? आप कब बना रहे हैं इस मिठाई को कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण।